मैहर में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनकल्याण संघर्ष समिति एवं कांग्रेस पार्टी के नेता रामनिवास उर्मलिया के नेतृत्व में महापंचायत लगाई गई और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं उन्होंने 28 जनवरी तक मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मैहर में जनकल्याण संघर्ष समिति एवं कांग्रेस पार्टी के नेता रामनिवास उर्मलिया के नेतृत्व में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर महापंचायत लगाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि मैहर में स्थापित 3 सीमेंट प्लांट पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और किसानों के साथ हो रहे अत्याचार बंद हो। जिसके बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि 28 जनवरी को सीमेंट प्रबंधन के द्वारा चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं रामनिवास उर्मलिया ने कहा कि अगर 28 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन होगा और प्लांट पर तालाबंदी की जाएगी। आप पंचायत के सर्वप्रथम मुद्दे यहाँ का बेरोजगार युवा साथी जो है भाग रहा है, पलायन की ओर है, सब बाहर जा रहा है। मेन मुद्दा है कि हमारे युवा साथियों को 3-3 सीमेंट प्लांट है, उनको काम दिया जाए। केजीएस में हाल ही में जो घटना घटी, उस शुक्ला लड़के का जो मर्डर कराया गया, जिसके अभी भी लोग बंद हुए हैं, केजीएस के अभी भी अंदर है। हमारी शुरू दिन भी मांग थी उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और आज भी है उसको मुआवजा दिया जाए और उसके पत्नी को नौकरी दी जाए। एसडीएम साहब ने कि 28 तारीख को हम फैक्ट्री वालों को बुला के बात करेंगे। किसान के जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका प्रूफ सहित है कि उनकी जमीनें तो ले ली गई, कंपनी ने ले लिया, लेकिन ना तो उनको पैसा दिया गया, ना ही उनके लड़कों को नौकरी दी गई। सैकड़ों एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई, जमींदार को मालूम है नहीं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई। कितने ऐसे प्रकरण है जिनकी जाँच होना चाहिए। पिछले मुद्दे भी जो है उसमें आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यहाँ भाजपा की सरकार है, दोहरी राजनीति करती है। हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, हमारे नेता सम्माननीय अजय सिंह राहुल भैया है, लेकिन उसमें आज तक कोई पहल नहीं की गई, ना कोई कार्रवाई की गई। इस जितने समय दिया गया उस समय में ना होगा तो निश्चित रूप से, और ये हम खोखले वादे नहीं करते दूसरे नेताओं का। आप जानते हो हम फैक्ट्री में तालाबंदी कर ही देंगे, चाहे जो मुकदमा लगाना हो प्रशासन को लगा देगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।